हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस. लेट्स स्टार्ट माय हेक्टिक वीक मंडे अर्ली मॉर्निंग से. तो दिस इज़ हाउ वी गेट इन द जिम. और उसके बाद से सबसे पहले वेट चेक कर रहे हैं ये सब. मेरे को किसी ने फिल्मिंग नहीं किया, मैंने खुद को ढंग से फिल्म नहीं किया, तो बस यही चल रहा था. बट मैं फिर, मेरे को फोटो खींचने के लिए बोला जा रहा था, वीडियो बनाने के लिए बोला जा रहा था, तो वो मैं कर रही थी. तो आफ्टर वर्कआउट लेट्स गो टू द वर्क फॉर ऑफिस एंड दिस इज़ ऑन द वे टू ऑफिस एंड देन पहुँच गए. एक तो आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक हाउ पीपल फिल्म सो स्मूथली. मतलब हर एक चीज़ मुझसे, तो एक हाथ में कैमरा पकड़ के एक हाथ से बैग के जिप तक नहीं खोल रही थी. व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, बट स्टिल ट्राइंग. तो काफ़ी टाइम काम करने के बाद दिस इज़ दी लंच टाइम, जो कि मैंने सीधे ही फिल्म कर दिया. इन्होंने, मैं थोड़ा डाइट कर रही थी तो इसीलिए बस इतना ही. ओके, तो पता नहीं ये टॉर्च क्यों जल जा रही है. एक तो एज यू कैन गेस, मेरे को कहीं खुद को ढंग से फिल्म करने का मौका नहीं मिला, तो बस आते जाते जहाँ पे भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिख रहा है बस वहीं पे स्टार्ट हो जाओ. आज मेरे व्लॉग का फिर से स्टार्ट हो रहा है. लाइक वीक मैंने थोड़ा बहुत ऑफिस का भी लिया ही था. दिस इज़ लाइक आफ्टर ऑफिस आवर्स. कल भी मैंने बोला था, अभी भी वो चले गए बैग इधर ही ऐसे ही छोड़ के. कल भी मैंने बोला था मेरी वीडियो लेना, कल भी नहीं लिया. मेरा कौन सा दिन था, जो भी दिन था, मतलब यार वो दिल्ली याद नहीं आ रहा. क्रॉस वीडियो कल मेरा क्रॉसफिट दिन नहीं था वो. और मैंने सोचा था कि मैं क्रॉसफिट करूँगी अच्छे से, थोड़ी बहुत वीडियो ले लूँगा. इसमें लिया ही नहीं. तो कल क्रॉसफिट में ना इसमें एक वीडियो ली जॉगिंग करते हो, वो भी ऐसा पोर्ट्रेट में. और फिर मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी तो डालनी नहीं थी, कल से पढ़ा हुआ. आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम. आप देखते हैं इसमें ना एक बैग लेके भेज दिए. ये आफ्टर कार्डियो सेशन है. यूजुअली मैं ऐसे खुद को फिल्म नहीं करती, पर मेरे को व्लॉग बनाना था, तो इसीलिए मैं थोड़ा ट्राई कर रही थी कि कुछ तो वीडियो आ जाए ढंग से. इधर से उधर से एंगल लेने की कोशिश कर रही थी, तो जैसे तैसे जितना भी मैंने लिया है. काइंड ऑफ वाज जस्ट चेकिंग लाइक हाउ डू आई लुक विद ऑल स्वेट ऑन. पूरे हेक्टिक वीक जो भी मैंने फिल्म किया है उसमें, मतलब अच्छे से मेरे को, एक तो पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ मैं आजकल, वर्कआउट करते वक्त का कोई ढंग का वीडियो ही नहीं है, तो बस स्ट्रेचिंग करते वक्त का ही था जो कि मैंने ऐड कर दिया हुआ है इसमें. आई नो लाइक दिस लुक्स बिट फनी, बट आई थिंक वुमेन्स गर्ल्स को, मतलब हमें ना बैक में थोड़ी जल्दी, मतलब कि हो जाता पेन वेन एंड ऑल, तो मेरे भी हो रहा था, तो आई वॉज स्ट्रेचिंग माई बैक सो इसी के लिए. बाकी या दैट्स इट, डूइंग दी नॉर्मल स्ट्रेचिंग, उसके बाद मैं वर्कआउट करूँगी. उसके बाद हम पहुंच जाते हैं ऑफिस ट्यूसडे वर्क के लिए. हेलो, तो आज अच्छी आ रही है, मतलब एटलीस्ट लाइट नहीं आ रही. वैसे तो फेस इतना सही आ नहीं रहा इसमें, मतलब आई वुड से इन माय डिफेंस कि रियलिटी में थोड़ा बेटर लग रहा है इससे. बट इट्स ओके, इन ऑफिस आई जस्ट लाइक हैड माय डिनर, सो लेट्स गो आउटसाइड फॉर अ वाइल. उसके बाद वापस से जाके काम. ओके, सो मेरे पास ऑफिस में काम करते करते, लाइक एक्चुअल वर्क करते करते का वीडियो नहीं है, और घर पे आके सोने का, फिर उसके बाद उठने का, इन सब का भी नहीं है. जो थोड़ा बहुत, मतलब मेन चीज़ें होती है ना, वो मैंने इसमें ऐड करके डाल दिया हुआ है. एकदम डिटेल्ड तो नहीं है, बट लाइक आई रियली ट्राइड कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो. कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया हुआ है, ऑफिस वाले ही हैं, और उन्होंने देख लिया, और उनमें से कोई उनका नोन निकला. फिर तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ. अपना बिजनेस प्लान डिस्कस कर रही हूँ, जैसे कि हर कोई करता ही है. जो भी नौकरी जॉब कर रहे हो तो उनको लगता ही है कि हाँ ठीक है, बिजनेस करेंगे ये वो, तो मेरे को भी लगता है. बस तो वही डिस्कस कर रही थी. आई होप यू गाइस कैन रिलेट. तो थोड़ा फनी है, पर मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो करके डिस्कशन कर रही थी. अगला दिन वेडनेसडे स्टार्ट हो चुका था. वेडनेसडे का मैंने रोज़ दोस्तों वर्कआउट का क्या ही फिल्म करना था, तो इसीलिए थोड़ा अलग अलग करने की कोशिश थी मेरी. वेडनेसडे ऑनेस्टली मेरे पास कोई वीडियो ही नहीं थी, बस यही थी छोटी सी, जो भी इसमें छोटा सा ही शॉट होएगा वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा एडिट करना पड़ा क्योंकि पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक सा चल रहा था. सो डे एंडेड एंड थर्सडे स्टार्ट हो जाता है. गुड मॉर्निंग अगेन, फिर से वर्कआउट, और इसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कट कर लिया. मेरे को ना ऐसे थोड़ी शर्म सी आ जाती है, मतलब खुद को फिल्म करते हुए और दिखाने में, तो फिर इसलिए मैं दूसरों को करते रहती हूँ.
तो ये सो ये था, दिस इज थर्सडे अगेन. हाँ नहीं, थर्सडे ही चल रहा है, सॉरी मैं भूल गई थी. तो इस दिन ना उस मैच होने वाला था सेमीफाइनल का, तो सपोर्ट के लिए पहनना था. मेरे पास नई थी, मतलब टीम इंडिया वाली शर्ट मेरे पास जो थी मुंबई इंडियंस की, रोहित शर्मा की, तो मैंने वही पहनी थी. और उस पर मेरा काफ़ी मजाक भी उड़ाया जा रहा था, पर इट्स ओके, आई डिडंट माइंड इट. हाय हाय मुंबई इंडियंस के कपड़े टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए. इसमें सिर्फ एक ही चीज इंडिया की है, क्या है वो पीछे होना, ये रोहित शर्मा की 45 नंबर. असली फैन तो मैं हूँ ना यार, टीम इंडिया दिख रहा हूँ. तुमने भी तो T20 लिखा हुआ है. तो T20 तो चल रहा है, पकड़ो उसको. T20 चल रहा है, टीम इंडिया की टी शर्ट है, सूर्य कुमार यादव. ठीक है भाई, रोहित शर्मा भी सही खेल रहा है. और हमारा, पर अगर इसका प्लेयर सूर्या, पता नहीं, मैंने तो सुना भी पहली बार है. कुमार यादव अच्छा खासा प्लेयर है, मुंबई इंडियंस के लिए अभी खेलता है अभी भी. ठीक है ठीक है, तुम थोड़े फनी लग रहे हो. बट कैसे, क्यों फनी क्यों? तो क्योंकि मैं क्रिकेट की इतनी बड़ी कोई फैन नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे नहीं पता था सूर्य कुमार ये सब. तो प्लीज़ डोंट, मतलब माफ़ी उस चीज़ के लिए. सो टीम इंडिया जीत गई थी और इसीलिए अब हम सबको ग्रुप में पिक्चर्स लेनी थी, तो इसके बाद हम पिक्चर्स वगैरह लेंगे. एक जो मेरे पास है वो मैं कर दूँगी शेयर. ठीक है, आपको भी कर दूँगी. मैं तो नहीं जानती इस इंसान को, आप जानते हो तो बता दो. सो फ्राइडे हो गया है और फाइनली इंडिया मैच जीत गई है, तो रियली प्राउड सॉरी मोमेंट. एंड मैंने वैसे भी रोहित की जर्सी पहनी हुई थी एंड ही प्लेड वेल, लाइक ही इज माय फेवरेट प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम में से. तो nice, everything went nice today. Let's अभी इसके बाद after office hours and then after that Friday. Alright guys, so it's Friday, like casual Friday, so that's why I'm dressed up like this. और कल weekend है, Saturday Sunday, so I'm so happy for that. Let's go outside. मेरे को कोई भी एक ढंग का कैमरा सॉरी मिरर नहीं मिलता. यदि एक मिरर मिलता है और यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि बाहर से कोई आ ना रहा हो, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है तो बाहर से मतलब दिख जाता है इसी के लिए. और इतना ज़्यादा कॉन्शियस होती रहती हूँ, पता नहीं क्या, मतलब तभी मेरी वीडियोज़ भी नहीं बन पाती है ढंग से. ओके गाइस, सो इट्स इट वॉज हैप्पी फ्राइडे, जिसमें हैप्पी कुछ हुआ नहीं, बट इट्स फ्राइडे सो इट्स हैप्पी. एंड बाय बाय, सी यू.